कई लोगों की जिंदगी कितनी जल्दी खत्म हो जाती है। अभी अभी हमें एक ब्रेकिंग न्यूज मिली है। विचित्र है लेकिन ये सच है। घर के बीच हाई सोसाइटी में प्रख्यात फार्मास्यूटिकल कंपनी के मालिक दिनकर को एक डॉग ने काट काट कर मार डाला। उनकी मौत बहुत ही भयानक तरीके से हुई है। ऐसा पुलिस का कहना है कि डॉग ने पूरे शहर में कहर मचा दिया है। ये कैसे हुआ, पुलिस अभी इसकी छानबीन कर रही। बॉलीवुड बैड बॉय नायक सल्लू उसके ऊपर आपत्ति जता रहे हैं। हम आपको बताना चाहते हैं कि अगर ये डॉग आपको कहीं भी दिखाई दे तो आप पुलिस को जल्द से जल्द इन्फॉर्म करें। ये डॉग बहुत ही खतरनाक है, इससे आपकी जान को खतरा हो सकता है। इससे जितनी जल्दी हो सके हम सबको छुटकारा चाहिए। यही रुको, मैं विसर्जन करके आती हूँ। सर 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 गाड़ी रोकिए सर, प्लीज सर, प्लीज सर गाड़ी रोकिए सर। सर 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 वहाँ पर किसी का एक्सीडेंट हुआ है सर, प्लीज सर हॉस्पिटल छोड़ दो सर। मैडम ठीक है, उसे गाड़ी में लेकर आओ। लेकर क्यों जा रहे हो? हॉस्पिटल की तरफ ले रहा हूँ मैडम। उतरो, चलो उसे पकड़ो, उसे नहीं। लोग जब नदी के पास इसे घूर के देख रहे थे तभी मुझे शक हो गया और मेरा शक गलत नहीं था। मैं तुम्हें पुलिस में नहीं दूंगा क्योंकि जेल से आने के बाद तुम वापस फिर यही काम करोगे। अगर मैं कोई वकील होता तो अपने घर के सामने ये बोर्ड लगाता कि रेप केस नहीं लूंगा। कानून तुम्हें सजा नहीं देता, इसलिए सजा देने की जिम्मेदारी अब मेरी है। अब आगे से तुम रेप करना तो छोड़ो, शादी करके घर बसाने के लायक भी नहीं रहोगे क्योंकि तुम्हारे जनरेटर को ही डिस्कनेक्ट कर दिया। जाओ अपनी कार में जाकर बैठ जाओ। मेरा लगेज उस कार में पड़ा है, जाके ले आओ। वो डॉग किस कलर का था तुम्हें पता है? पता है सर, काले रंग का था। उतरो। व्हाट? यहाँ पर? मैं जिस होटल में रुकी हूँ वो थोड़ी दूर पर है। प्लीज इफ यू डोंट माइंड आप ही ड्रॉप कर दीजिए। ये टैक्सी नहीं है, प्लीज। एटलीस्ट आपका फोन नंबर तो दे दीजिए प्लीज। दिनकर के घर पे काम करने वाले जैसा बताया उसके अनुसार वो डॉग ब्रॉडविल था। सिटी में इस ब्रीड का कुत्ता किस किस के पास है उन सब की डिटेल्स मुझे चाहिए। ओके सर। साथ में डॉग ट्रेनर्स को इन्वेस्टिगेशन के लिए अपॉइंट करो। ओके सर। ऑनर की लिस्ट क्यों चाहिए सर? इसका कारण यह है कि डॉग ने जो मर्डर किया है उस मर्डर को करवाने वाला उसका मालिक ही होगा। जेंटलमैन, किसी पर भी शक हो तो उसे मत छोड़ना, जल्द से जल्द इन्वेस्टिगेशन करो। जीजा जी, आपको ढूंढते हुए एक सुंदर सी लड़की यहाँ पर आई है। सुंदर सी लड़की? तो तुम्हारी बहन को छोड़ दूं क्या? जीजा जी, मेरा बोलने का वो मतलब नहीं था। क्लाइंट आई है ये कह रहा है। हाँ, मुझे पता है यूजलेस फेलो। बाय वन गेट वन फ्री बोलते हैं ना, वैसे ही तुम्हारी बहन से शादी करने के बाद तुम उसके साथ फ्री में आ गए मेरा दिमाग खाने के लिए। जाओ उसे अंदर भेजो। क्या यार, तुम्हें बुला रहे हैं, आओ। हेलो सर, नमस्कार। हाँ नमस्कार, बैठ जाओ। थैंक यू। तो बताओ क्या बात है? मेरा नाम आरुषि है। आई एम फ्रॉम US। रिसेंटली आई लॉस्ट माई पेरेंट्स इन एन एक्सीडेंट। सो सैड। बैंगलोर हाईवे पर एयरपोर्ट के पास मेरे दादाजी के नाम पर एक प्रॉपर्टी का बिल बना है, वो प्रॉपर्टी मेरे नाम पर ट्रांसफर करवानी है सर। डॉक्यूमेंट्स लेकर आई हो? हाँ, 1 सेट फोटोकॉपी लेकर आई हूँ। वेरी गुड। अच्छा एक काम करो, तुम कल इसी समय आ जाना, तब तक मैं डॉक्यूमेंट्स चेक कर लूंगा और रजिस्ट्रेशन की डेट को फिक्स कर दूंगा। ओके श्योर, मैं आ जाऊंगी। ओके। हमने एयरपोर्ट के पास वाली प्रॉपर्टी की रजिस्ट्रेशन करवाई है ना? हाँ। जरा उसकी डॉक्यूमेंट्स निकालो। ओरिजिनल चाहिए या डुप्लीकेट? जल्दी करो। डुप्लीकेट नहीं। हाँ निकाल रहा हूँ जीजा जी। ओरिजिनल कॉपी निकालो। मेरा नसीब ही खराब था। जल्दी मुझे मिला। सर पर रखोगे? लाओ यहाँ और इसे चेक करो। सर्वे नंबर क्या है? टोटल कितनी एकड़ जमीन है? धर्मा, ये बहुत खतरनाक। देखिए शेषाचला, मुझे तेरी बात पर विश्वास है, इसीलिए प्रॉपर्टी खरीद रहा हूँ, लेकिन कुछ लफड़ा हुआ तो गोली से मार दूंगा। हम बहुत खराब आदमी हैं। लीजिए। क्या हुआ जीजा जी? आप ठीक हो ना? क्या हुआ? आप ठीक तो हो ना जीजा जी? जीजा जी! क्या हुआ इन्हें? शौक। घर में या ऑफिस में? वहाँ चैम्बर में। इसने क्यों पावर को छुआ? पावर नहीं, फाइल। सिर्फ फाइल को छूने पर ही। तुम पागल हो गए हो क्या? फाइल छूने से शौक लगता है? वो तो आप इनसे पूछिए। जीजा जी, जीजा जी। सेसा, क्या हुआ? तुझे शौक कैसे लगा? कैसे? ठीक है जीजा जी, बाहर जाने के लिए बोल रहे हैं, थोड़ा बात को समझिए ना प्लीज। तुझे जाने के लिए बोल रहे हैं, जा, जाना। धर्मा, दरवाजा बंद करो। हाँ सिस्टर, एक मिनट। हाँ इसमें से हमें बातें अच्छे से सुनाई देती है ना? हाँ सुनाई देती है। हाँ फिर एक मिनट, कुछ सुनाई नहीं दे रहा। लूज कैरेक्टर वालों को सुनाई नहीं देता। उस प्रॉपर्टी का कोई मालिक नहीं है, बताया था ना तुम्हें, और तुमने मेरी बात ही नहीं सुनी। लोगों को बुला के प्रॉपर्टी दिखा दी। अब गलती किसकी है? गलती तो इसमें मेरी ही है। गलती तुम्हारी है। रिवॉल्वर सलीम की और सर हमारा, तीनों के सिर के चिथड़े उड़ा देगा। वो पहले से ही अंडरवर्ल्ड डॉन है, आगे पीछे देखता नहीं है वो सलीम। ए सीसा, पैसा तुम्हें कमाना था, भली हम क्यों चढ़े? हाँ क्यों, तुम दोनों ने हिस्सा नहीं लिया क्या? मलाई तुम खाओ और दूध मुझे। सीसा, हाँ? जो हो गया उसे भूल जाओ। वो लड़की अब कहाँ है? कल सुबह 11 बजे के आसपास वो लड़की मेरे ऑफिस आने वाली है। उसका नाम आरुषि है। बॉन्ड पेपर पर अगर उस लड़की की एक साइन मिल गई ना, तो हम तीनों को पुनर्जन्म मिल जाएगा। आ, 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 चार्ले, डीसी, डीसी, डीसी चार्ले। अबे बात क्यों रहा है? लगता है अपनी बीवी को गांव छोड़कर आ गए। हाँ। ए झाड़िया, गाड़ी को पार्किंग में लगाओ। झाड़िया नहीं, झाड़िया नहीं, झाड़िया नहीं। डीसी समझा? तू है पुलिस कांस्टेबल, मैं डीसी मतलब डिप्टी कमिश्नर। सर नहीं रे, डॉग क्लीनर रे। जूनियर पीसी, नॉट पीसी, दाफेदार, दाफेदार। कोई भी तार हो। आगे बोलो। गुम हो गया है। क्या गुम गया है? मेरा चेहरा देखकर समझ में नहीं आता। मेरा चेहरा नहीं, डॉगी का चेहरा। इस डॉगी का मालिक तुम ही हो क्या? देखने से पता नहीं चलता क्या? तुम्हारी शक्ल डॉगी से तो बहुत मैच हो रही है। सर आइए सर, बैठिए सर। हाँ, ये हुआ ना रेस्पेक्ट। सर, इस डॉगी के मालिक को मैंने पहचान लिया है सर। अच्छा, हाँ, अभी कहाँ है वो? इधर ही है सर। बुलाओ उसे। हाँ, सर। कौन है? साहब बुला रहे हैं। ओ, आइए सर। इस डॉगी का मालिक तुम ही हो? और कितनी बार बताऊं मैं आपको, 4 दिनों में 4 पुलिस स्टेशन का चक्कर काट चुका हूं। इस केस में कोई भी इंटरेस्ट नहीं ले रहा है। देखिए सर, आज तो 1 मार 2 टुकड़ा होगा, दोनों में से एक होना चाहिए। बिल्कुल सही कहा सर, दोनों में से एक ही होगा। दोनों का मतलब क्या है? यूरिन और टॉयलेट। वो सुबह ही हो चुका है। वो तुम्हारा पर्सनल है और ये हमारा प्रोफेशनल है। ये भी करना पड़ेगा क्या सर? क्या हुआ, क्यों रो रही हो? बताओ मुझे क्या हुआ। मेरी शीला गुम हो गई है। किडनैप केस है या गैंग रेप केस है? गैंग रेप सर, गैंग रेप नहीं हुआ है, मेरी शीला गुम हो गई है कह रही हो। ये वही पूछ रहे हैं कि तुम्हारी शीला कहाँ गुम हो गई है। शीला मेरे डॉगी का नाम है। ज्यादा झुको मत सर, नहीं तो कुछ गड़बड़ हो जाएगी। तुम जाओ मैडम, जाकर अपनी कंप्लेंट लिखवा दो। हवलदार, जरा इस लड़की की कंप्लेंट लिख दो। आओ मैडम, आजकल डॉगी के केस बहुत आ रहे हैं। हेलो मिस्टर, तुम कहाँ पर जा रहे हो? आओ यहाँ पर। सर, आपका हवलदार बहुत स्मार्ट दिख रहा है, मैं उसके पास कंप्लेंट लिखवा के आता हूँ। आओ राजा यहाँ पर, मुझे तुम्हारे साथ कुछ बातचीत करनी है। 302 इसका मतलब पता है सर? वो हाईवे नंबर है या कोई बस नंबर है? वो दोनों भी नहीं, आईपीसी का सेक्शन नंबर है। वो आप मुझे क्यों बता रहे हैं? इस डॉगी ने मर्डर किया है। मर्डर हो गया सार, मेरी किस्मत खराब थी कि मेरा डॉगी बस स्टॉप पर पड़ा था, ऐसे उठा कर लाया सर। आप जिस डॉगी को अंडरवर्ल्ड का डॉन बता रहे हैं, वो वैसा बिल्कुल नहीं है सर। सर, एक और इम्पोर्टेंट बात है, मेरा डॉगी ना मटन, चिकन, मछली, शराब, इन सब चीजों को हाथ भी नहीं लगाता सर। बाई चांस देख भी लिया ना तो मुंह फेर लेता है सर। सर, वो क्या खाता है पता है? फ्रूट सैलेड, मिल्क शेक और जूस पीता है सर। मेरा डॉगी कहाँ? ए हवलदार, इस गोरिल्ला को उठाकर अंदर डाल दो। एसीपी के आने तक यही रहने दो। पप्पू, लॉयर पप्पू स्पीकिंग। जूनियर नहीं, सीनियर। सिविल नहीं, क्रिमिनल। 1 रेट और 1 ही डेट। केस फिनिश। अब बोलो। ए नालायक, मैं धर्मराज बात कर रहा हूँ। पता नहीं चला सर, सॉरी सर। बोलिए सर। अभी तुम्हारे ऑफिस में आरुषि नाम की लड़की आएगी। ओह, आरुषि, मैं समझ गया। ऑफिस में आने के लिए बोला था, आएगी, जरूर आएगी। हाँ, आ जाएगी तो उसे बिठा के रखना है ना सर? उसे बिठा कर रखना, वो चली जाएगी तो हमारे सिर के चिथड़े उठ जाएंगे। वो जैसे ही आएगी उसे ऑफिस के चैम्बर में पकड़ कर रखूंगा। उसे इस बात का शक नहीं होना चाहिए। हाँ, आरुषि आ गई। ए, पकड़ो 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 पकड़ो, अब पकड़ो। अरे उसे पकड़ने को बोला, तुम मुझे क्यों पकड़ रहे हो? क्या कर रहे हो? उसे पकड़ो। बेवकूफ। क्यों सर, क्या कर रहे हो? अरे मुझे नहीं पकड़ना, उसे पकड़ना। जाओ, वो देखो उधर जा रही है, चलो। तुम लोग एक लड़की को नहीं पकड़ सकते, केस क्या जीतोगे? अब मैं यहाँ पर क्यों खड़ा हूँ? अगर वो लड़की नहीं मिली तो वो लोग मेरा सर काट देंगे। अरे उसे छोड़ना नहीं। और तेज दौड़ के पकड़ो। एक लड़की को नहीं पकड़ सकते तुम लोग, जाओ। ऊपर वाले, पकड़ो 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 उसे। सर, मिली क्या सर? बेवकूफ जाहिल कहीं के, अब ये सब काम भी मैं करूंगा तो तुम्हें किस लिए रखा है? जाओ ढूंढो उसे, जाओ पकड़ो उसे। नहीं मिली तो क्या होगा? अब ये कौन था? जगाल, ए जगाल, Come. जैकाल, क्या हुआ तुम्हें? जैकाल, क्या हुआ? क्या हुआ जैकाल? जैकाल, बैक। ए, तुम अंदर आके कैसे बैठ गई? कुछ गुंडे मेरा पीछा कर रहे थे, इसलिए डर के मारे घबरा के मैं इस गाड़ी में छुप गई। नीचे उतरो। जैकाल, स्टार्ट हो जाओ। चिल्ला क्यों रही हो? आंख बंद कर रही हो तो वो गुंडे मेरे सामने नजर आ रहे हैं। डरो मत, यू आर सेफ, सो जाओ। मुझे नींद नहीं आएगी। ओह गॉड। ठीक है, मैं यहाँ बैठता हूँ, आराम से सो जाओ। लाई डाउन एंड रिलैक्स। Now slowly close your eyes. Deep sleep. Relax. Nice to meet you when you've been. I could show you incredible things. Magic, madness, heaven, sins. Saw you there and I thought, oh my god, look at that face. You look like my next mistake. Loves the game, wanna play. Oh no. New money, student tie. I can read like a magazine. And it funny rumors fly. And I know you heard about me, so hey. ये सब क्या कर रही हो? हाँ, ये घर है क्या? Go down की तरह है। कैसे बैचलर हो तुम? इतना गंदा रखते हैं घर को, इसलिए कहते हैं चूड़ियों वाला हाथ घर में होना ही चाहिए। हेलो, एक्सक्यूज मी, ये घर है कि गोडाउन है? हर रूम में कचरा भरा हुआ है, इतना तो गार्बेज में भी नहीं होता। ये सब साफ करने के चक्कर में मुझे कोल्ड हो गया धूल की वजह से। वहाँ अमेरिका में तो दिन में 3 बार दिमाग को रिलैक्स करने वाली टैबलेट लो, ठीक हो जाओगे। घर क्लीन करने के लिए बहुत धन्यवाद। अब तुम जा सकती हो। क्या कहा? मैं इस घर से चली जाऊँ? सही कहा। काम हो जाने के बाद सब यही कहते हैं। मैंने सुना था कर्नाटक में घर और कोट पत्थर के बने हुए होते हैं, लेकिन यहाँ के लोग भी पत्थर की तरह होते हैं। तुम्हें देखने के बाद मुझे पता चल गया। ये चूड़ीदार कपड़े किसके हैं वो भी मुझे पता नहीं है। हाँ जानती हो, बिना परमिशन के पहन लिया। हेलो, जाते वक्त यहाँ रख के जाऊंगी। जैकाल, तुम्हारे बुलाने पे वो नहीं आएगा, तुम अब जा सकती हो। क्या है ये, बात बात पर मुझे जाने के लिए बोलते रहते हो। मुझे भी यहाँ तुम्हारे साथ रहने का कोई शौक नहीं है, इसीलिए जाने के टाइम जैकाल से मिल के जाना चाहती हूँ। तुम्हें इतनी प्रॉब्लम है तो रहने तो छोड़ो, मैं बाहर से उसे बाय बोलकर चली जाऊंगी। रुक जाओ। मुझे कहा क्या? तुम मुझे रुकने को कह रहे हो? जब तक तुम्हारा काम नहीं हो जाता तुम यहाँ रह सकती हो। थैंक यू, थैंक्स अ लॉट। तुम किसी बात का टेंशन मत लो, जब तक मैं यहाँ हूँ ना, मॉर्निंग सनराइज से इवनिंग सनसेट तक तुम्हारा खाना, नाश्ता, कॉफी, ये सब कुछ। पागलों जैसी हरकतें मत करो, मुझे पसंद नहीं है। पागलों जैसी हरकत करने वाले पसंद नहीं आते, बड़बड़ करने वाले पसंद आते हैं। बाप रे, एटलीस्ट मुझे इस घर में रहने के लिए बोला, इतना ही काफी है। यस। जकाल यशवंत तुम ही हो? हाँ जी बोलिए। एसीपी साहब ने तुम्हें बुलाया है। क्यों? पता नहीं, पुलिस स्टेशन लेकर आने को कहा है। चलिए आता हूँ। यस डॉक्टर। सर उस बर्न पेशेंट को होश आ गया है, इमीडिएटली आएंगे। यू कैन टेक द स्टेटमेंट। ड्राइवर रुको, लेकर आ रहा हूँ सर। पुलिस स्टेशन मत लाओ, डायरेक्ट हॉस्पिटल लेकर जाओ। ड्राइवर सर पुलिस स्टेशन मत लो, बिलवा हॉस्पिटल लेकर चलो। यस डॉक्टर, अब कैसी कंडीशन है? कंडीशन इज सीरियस बट यू कैन टेक द स्टेटमेंट। आओ यशवंत, क्या तुम इसे जानते हो? एक्सक्यूज मी डॉक्टर। ओके मुगम, तुम इसे पहचानते हो? ध्यान से देखो। मुगम, मुगम। सर प्लीज। यस डॉक्टर। No, I'm sorry. He's no more. बेचारा कौन था ये? तुम्हारी बीवी की मौत का यही कारण है। किसी ने इसको जला दिया है। जिसने इसे जलाया उसे बहुत जल्दी हम ढूंढ लेंगे। तो इसके लिए मुझे यहाँ क्यों लाया? 5 मिनट जल्दी आ जाते तो पता चल जाता क्यों यहाँ लेकर आए हैं। सभी की घड़ी में टाइम कम या ज्यादा हो सकता है, लेकिन ऊपर वाले की घड़ी में परफेक्ट टाइम होता है। यशवंत यू मे लीव। थैंक्स। बाप रे बाप, ये कार है, कॉर्पोरेट वैन है ये। रहने के लिए एक घर और 4-5 कार, ऊपर से एक डॉग। जहाँ देखो वहाँ धूल ही धूल है। इसका नाम यशवंत तो बिल्कुल भी नहीं होना चाहिए था, धूल होना चाहिए था इसका नाम। ए, तुम क्यों गुर्रा रहे हो? जैसा गुरु वैसा चेला। अरे इसे क्या हुआ? यू इडियट, मुझसे खेल खेल रहे हो? अभी बताती हूँ तुम्हें। रुको। ए, मैं कौन हूँ तुम्हें पता है? अमेरिका में मेरे जितने पड़ोसी थे ना, सब मुझसे डरते थे, और तुम मुझे ही डरा रहे हो। हाँ सॉरी सॉरी सॉरी, इसमें मेरी गलती नहीं है। ये सब जग्गा की वजह से हुआ। ये बहुत बिगड़ गया है। लड़कियों की संगत में सन्यासी भी बिगड़ जाते हैं। ठंडे पानी से नहलाने के बाद ये गरम गरम कॉफी फाइन भर रही हूँ। टेक इट। तुमने कितने मर्डर किए हैं? हाँ? नहीं नहीं, अब देखो ना, ऐसे मिलिट्री मैन जैसे रहने वाले को पुलिस लेकर क्यों गई थी, यही पूछ रही हूँ बस। हेलो, रुक जाओ रुक जाओ रुक जाओ, ऐसे ही मजाक कर रही थी। एक्चुअली मुझे डाउट वो नहीं है। कौन है ये? गर्लफ्रेंड है तुम्हारी? तुम्हें उससे क्या है? जस्ट क्यूरियोसिटी। वो मेरी बीवी है। बीवी है? लेकिन वो कहीं नजर नहीं आ रही। ओह, पता चल गया मुझे। अपने बच्चों को लाने अपने मायके गई है ना? मुझे वो सब बताने की तुम्हें जरूरत नहीं है। अच्छा होगा तुम अपना दिमाग यहाँ के फोटो, घड़ी, घोड़े उन सब में मत लगाओ। जिस काम के लिए आए हो उस पर ध्यान दो। वो सब ठीक है, लेकिन मेरी एक हेल्प करोगे क्या? वैसे भी तो तुम फ्री ही हो, मेरे साथ में। हाँ? हे, डोंट मिस्टेक मी। मैं एक अकेली लड़की हूँ। वो क्रिमिनल माइंड वाले क्या क्या प्लान करके रखते हैं उसका डर है मुझे। मेरे साथ आकर मेरी हेल्प करोगे प्लीज? अपने अंदर के डर को निकाल के फेंक दो। प्रॉपर्टी अपने आप तुम्हारे नाम पे ट्रांसफर हो जाएगी। यस यस यस। हाँ पता है पता है पता है, तुम्हें पागलपन पसंद नहीं है पता है। कितनी धूल जम गई है, कितने दिनों से नहाए नहीं हो तुम। कौन है ये? जैसे बिजली के तार में करंट पास होता है वैसे पास हो गया। उम्र 60 साल की होगी, स्पीड तो देखो इसकी। कुछ न कुछ तो यहाँ गड़बड़ चल रही है। जवानी की कहानी हो सकती है। मुझे क्या करना है? आजा, रुक जा, तेरी पूंछ धो देता हूँ। इसे क्या हो गया? पसीना पोंछते आ रहा है। स्कूटी पर बैठकर रॉकेट की स्पीड से जा रहा है, वापस आते समय पुरानी खटारा लमरेटा की स्पीड से आता है। गाड़ी को देखकर ही पता चल जाता है अंदर कुछ न कुछ तो मिडनाइट का मसाला चल रहा है, और वो भी डेली। मुझे इससे क्या लेना देना है? मैं तो डॉगी को नहलाने आया हूँ, नहला कर चला जाऊंगा। आजा बेटा आजा, पहुँच दूँ। आजा आजा आजा, शांत हो जा। आ, आ, आ। ये बुढ़ऊ भी पसीना पोंछते हुए आ रहा है। अंदर कुछ न कुछ तो गड़बड़ चल रही है, पूछ कर देखता हूँ। ए अंकल इधर आओ। लो शुगर है क्या? इतना पसीना आ रहा है तो फिर रेड सुनकर आ रहा है। रेड कंफर्म हो गया। वो उस दिन शीला गुम हो गई चिल्ला रही थी ना, क्यों चिल्ला रही थी ये कंफर्म हो गया। ये भी पसीना पोंछते हुए बाहर निकल रही है। ओ ये भी जवानी का पसीना पोंछ रही है। डॉगी को अच्छे से धो दिया ना? सूंघ कर चेक कर लो। वो मेरा काम नहीं है, तुम्हारा काम है। ये लो चेक। डॉगी को नहलाने का मैं चेक नहीं लेता, जो भी देना है कैश में दे दो। हाँ मैं भी ऐसी ही हूँ, सबके पास कैश लेती हूँ लेकिन देती चेक ही हूँ। चेक और कैश साइड में रखो। आंख बंद करके खोलूं इतनी देर में? मेंबर्स आ रहे हैं जा रहे हैं, वो लोग कौन हैं? वो तो मेरा बिजनेस है। बिजनेस है? डरने की जरूरत नहीं है। मेरा एक फाइनेंस का बिजनेस है। जो लोग मेरे पास आते हैं ना वो दौड़ कर आते हैं और मेरा इंटरेस्ट रेट सुनकर सुस्त होकर चले जाते हैं। ऐसा है? मैंने तो कुछ और ही समझा था। मैं अंदर आऊँ क्या? किस लिए? कैश लेने के लिए। अंदर आ जाओ, कैश दे देती हूँ। हेलो। हाय बेबी, हाउ आर यू? आई एम नॉट इंटरेस्टेड इन टॉकिंग टू यू। ओके सॉरी बेबी, सॉरी। यू नो राइट, आई हैव गॉट इनटू न्यू जॉब। माय बॉस इज सो स्ट्रिक्ट, नहीं तो मैं तुमसे मिलने आने ही वाला था। मैं यहाँ पर किस प्रॉब्लम में हूँ तुम्हें पता है? डॉक्टर यशवंत अगर नहीं होते ना तो अभी तक मैं जिंदा नहीं रहती। व्हाट हैपेंड आरुषि? अरे वो लॉयर एक फ्रॉड है। फिलहाल तो मैं डॉक्टर यशवंत के घर में सेफली रह रही हूँ। गुड गुड गुड, स्टे देयर, आई विल बी बैक फॉर यू। ओके, मिस यू। मिस यू टू, बाय बाय। हेलो आरुषि, उस लॉयर के ऑफिस का एड्रेस बताओगी? हाँ, नंबर 18 लक्ष्मी नगर, 1st ब्लॉक, 7 मेन रोड। ओके ओके, आई विल कॉल यू लेटर। बोलिए सर। सेसाचेला साहब से मिलना था। सॉरी सर, सर बाहर गए हुए हैं, 3 दिन लगेंगे उन्हें आने में। अपना कांटेक्ट नंबर दे दीजिए, आने के बाद उन्हें कॉल करने कहूँगी। कोई बात नहीं, रहने दीजिए, मैं 3 दिन के बाद आ जाऊँगा। ओके सर। आरुषि, आरुषि, आरुषि। हाँ आ रही हूँ। क्या हुआ? क्यों ऐसे चिल्ला रहे हो? तुम्हें यह कमरा किसने खोलने के लिए बोला? किसने बोला? ये रूम बहुत टाइम से बंद था, इसलिए इसे खोलकर मैंने साफ सफाई की। कितना कचरा था तुम्हें पता है? क्यों, कुछ प्रॉब्लम हो गई क्या? तुमने अपने आप को क्या समझ रखा है? तुम इस घर की मालकिन हो क्या? हाँ? गेट आउट! मेरी आंखों के सामने खड़ी मत रहो। आउट! जयकाल, ऐसी क्या बड़ी गलती कर दी मैंने जो इतना डांट दिया? आफ्टर ऑल इतने बड़े घर में वो एक रूम। मैंने अगर कुछ गलती कर दी हो तो उसे आके कहना चाहिए कि मैंने गलती की है। बस डांटते रहते हैं। मैं यहाँ नहीं रहूंगी जयकाल, मैं यहाँ नहीं रहूंगी। चली जाऊंगी मैं यहाँ से जयकाल, 100% चली जाऊंगी। तुम्हारे मालिक चाहे मुझे कितना भी रोके, मैं नहीं रोकूंगी, चली जाऊंगी मैं। आरुषि, छोटे बच्चों की तरह रो मत। कभी भी पत्थर तोड़ने वालों को चोट का पता नहीं चलता। जिसे चोट लगती है उसे ही दर्द का एहसास होता है। वो कमरा तुम्हारे लिए घर के बाकी कमरों के जैसा ही होगा, लेकिन मेरे लिए वो सिर्फ एक कमरा नहीं है। जोर से सांस लो। ओके, एक बार जरा खांसो। सिगरेट 10 रुपए में मिलता है, लेकिन लंग्स 10 रुपए में नहीं मिलता। लाखों रुपए खर्च करने के बाद भी लंग्स को रिप्लेस नहीं कर सकते। अगर ये सिगरेट गुटखा छोड़ दोगे तो 10 साल और जियोगे, समझे? ये दवाइयाँ टाइम पे लेते रहना। जाओ। ओके सर। वेरी गुड आफ्टरनून सर, आई एम मुरली। हाँ बोलिए। डे बाय डे कंपनी से आया हूँ सर। हमारी कंपनी ने नया प्रोडक्ट लॉन्च किया है, फीवर टैबलेट्स। ये है एंटीबायोटिक, ये पेन किलर। सर सभी डॉक्टर्स की तरफ से गुड रिस्पॉन्स आ रहा है सर। रिस्पॉन्स आना चाहिए, लेकिन डॉक्टरों से नहीं, मरीजों से। 100% करेक्ट है सर, लेकिन हमारे आप लोग ही तो मीडिएटर है ना। हमारे प्रोडक्ट का प्राइस बहुत ही रिजनेबल है सर, लेकिन उसका कोर्स मिनिमम 10 डेज का होना चाहिए। जस्ट 1 ईयर एग्रीमेंट, इतना ही है सर। ऑफर क्या है पता है? डबल धमाका, परसेंटेज के साथ में साल में 1 बार फॉरेन ट्रिप। नॉट ओनली यू सर, फुल फैमिली पैकेज है। स्टॉप इट एंड गेट आउट। सर जरा सोच कर देखिए ना। आई सेड गेट आउट। मेरी बात तो सुनिए सर, ये सब तो मामूली है सर, सब जगह यही चलता है। खड़ा हो जाओ। सर ये क्या कर रहे हैं आप? सर सर मेरी बात सुनिए, मुझे छोड़िए, छोड़िए सर। सर निकल बेवकूफ। अगली बार अगर ऑफर, वाउचर या गिफ्ट देके डुप्लीकेट दवाइयाँ बेचने आया ना तो शरीर की सारी हड्डियाँ तोड़ दूंगा। इडियट, निकल बाहर। बिजनेस करने नहीं आता है सर आपको। आई सेड गेट आउट। आप क्या सत्य हरिश्चंद्र हैं? हाय रानी। 1 मिनट। हाँ ओके ओके। तुम्हारा नाम क्या है? रत्नमा। तुम्हारी इनकम कितनी है? 500-600 रुपया तो कमा लेती हूँ। 100 रुपए देने में कुछ फर्क नहीं पड़ेगा। ठीक है। तुम्हारे खाने पीने के बारे में कुछ बताओगी? सुबह उठ के चपाती और सब्जी बनाती हूँ, रात में दाल चावल। और नए नए कपड़े मैं किसके लिए पहनूंगी? मेरे पति तो अब इस दुनिया में नहीं रहे। मैं विकेट लेता हूँ, क्रिकेट प्लेयर नहीं हूँ। ये बांडिया जिसका भी स्केच बनाकर बॉलिंग डालता है ना, तो जब तक वो आउट नहीं हो जाता तब तक उसे नहीं छोड़ता। इस बांडिया का नाम सुनते ही ये पूरा का पूरा शहर थर थर कांपने लगता है। ये लिख लो मैडम, ये बांडिया का लाइफस्टाइल है मैडम, लिख लो। रो मत बहन, सब ठीक हो जाएगा। थैंक यू, अब मैं चलती हूँ। ठीक है मैडम, ठीक है। सॉरी तुम्हें इतना वेट करवाया। क्यों, बहुत सीरियस इंटरव्यू ले रही थी क्या? यशवंत, कई लोगों की जिंदगी कितनी जल्दी खत्म हो जाती है ना। यस, लाइफ इज वेरी शॉर्ट, यू कैन मेक इट वर्स्ट और बेटर। जो भी करना है अभी करना है। वैसे तुम ये क्यों पूछ रही हो? वो फूल बेचने वाली है ना, उसके पति का 1 महीने पहले इंटरव्यू लिया था। मेरा कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता ऐसा कह रहा था वो। और अब देखो उसकी फोटो पर हार चढ़ा हुआ है, इसलिए। हाँ, तुम्हारे पीएचडी का टारगेट कहाँ तक पहुँचा? और थोड़ा सा बाकी है। उस लिस्ट में मेरा कितना नंबर है? उस लिस्ट में 9990, लेकिन मेरे हाथ में तुम्हारा ही नंबर पहला है। थैंक यू, मुझे बहुत खुशी हुई। इस खुशी में कोई ट्रीट नहीं मिलेगा क्या? घर पर आओगे तो मिल सकती है। ओह रियली? मैं तैयार हूँ। कॉफी पियो ना। बस इतना ही? और क्या चाहिए? घर आने पे कुछ ट्रीट दूंगी बोला था ना तुमने। तुम्हें और क्या चाहिए? मुझे एक किस चाहिए। नो, वो सब शादी होने के बाद। मुझे अभी चाहिए। मैं नहीं दूंगी। मैं नहीं छोड़ूंगा। मैं नहीं दूंगी, हो सके तो लेकर बताओ। चैलेंज। चैलेंज। Look into my eyes. Come close. Hold me. Kiss me. क्या किया मैंने? चैलेंज को मैं जीत गया। तुमने चीटिंग की। ये लो। गुड मॉर्निंग, प्लीज कम इन। क्या गुड मॉर्निंग, मैं तुमसे बहुत नाराज हूँ। क्यों? क्या किस लिए? मुझे तुम्हारा सीक्रेट ही पता नहीं चलता, पलक झपकाते ही गायब हो जाते हो। जो डाउट ना करे वो औरत नहीं होती। कम ऑन, आओ बैठ के बात करते हैं। प्लीज। ओ वाह, ये तो मिनी लाइब्रेरी जैसे बना कर रखा है। हाँ, तुम उससे नाराज थी ना। उसका कारण है ये क्या है? ये इंसान के खून की नाड़ियां हैं। आज सुबह एक हार्ट पेशेंट मर गया था, ये उसी की है। उसकी ब्लॉक हुई नाड़ियां मुझे किसी भी कीमत पे चाहिए थी, इसीलिए गया था। पर इससे तुम क्या करोगे? कम, आई विल शो यू। बैठ जाओ। ये इंसानों का हार्ट है जो हर वक्त चलता रहता है, और ये दूसरा खून साफ करने वाला पार्ट है। इसी से पूरे शरीर में खराब और साफ खून अलग होता है। कभी कभी इसमें कोलेस्ट्रॉल बढ़ने की वजह से रक्त की सप्लाई रुक जाती है, इसी वजह से हार्ट अटैक होते हैं और पेशेंट के जान जाने का खतरा होता है। सो ये जो है ना, इसे कहते हैं कार्डियक स्टेंट। इस स्टेंट को हम क्या करते हैं पता है? जिन ब्लॉकेज की वजह से हार्ट अटैक होता है, उस जगह पे एंजियोप्लास्टी की वजह से माइक्रोस्कोपी ऑपरेशन करके इसे इंस्टॉल कर देते हैं। उसके बाद खून की सप्लाई फिर से चालू हो जाती है और पेशेंट अच्छा हो जाता है। मुझे तो इसके बारे में कुछ पता ही नहीं था। साइंस कितना आगे बढ़ गया है ना। साइंस कितना भी आगे चला जाए, इन मटेरियल की जितनी कीमत है उतने इंसानों की नहीं है। जस्ट ए स्मॉल ट्यूब, लेकिन कीमत क्या है पता है? कितनी है? 95,000 से लेकर 1 लाख रुपए तक। What? ये इतना महंगा होता है? हार्ट अटैक वाले पेशेंट इसके रेट को अफोर्ड नहीं कर पाते और ऊपर चले जाते हैं। ये माफिया के लोगों ने फार्माकोल सिटी को भी नहीं छोड़ा है। कोई भी साइंटिस्ट लोगों की भलाई के लिए इस तरह की दवाइयों को तैयार करता है, उसके बाद ये किसी मैन्युफैक्चर के हाथों में जाता है, वहाँ से डिस्ट्रीब्यूटर के पास, डिस्ट्रीब्यूटर के हाथों से हॉस्पिटल में जाता है और हॉस्पिटल में लोगों तक पहुँचने तक उसकी कीमत इतनी ज़्यादा हो जाती है। और पेशेंट के पास इसे खरीदने के लिए पैसे नहीं होते। 4-5 हज़ार की चीज़ 1 लाख तक हो जाती है। वैसे भी 125 करोड़ की आबादी वाले इस देश में 27 लाख लोगों को एक टाइम का खाना भी नसीब नहीं होता है। अब इतनी खराब परिस्थिति में ऐसे गरीब लोगों को कभी हार्ट अटैक आ गया तो इतना कॉस्टली स्टेन वो कैसे अफोर्ड कर सकते हैं। इसीलिए इस स्टेन के बदले मैं एक लिक्विड मेडिसिन की खोज कर रहा हूँ। चाहता हूँ गरीब लोगों को ये मेडिसिन कम से कम दाम में मिले, यही मेरा सपना। वाह सुपर्ब, तुम्हारी आलोचनाएं अद्भुत हैं। जैसा कि तुम अभी बता रहे हो, ये दवाई सभी लोगों तक पहुँचनी चाहिए तो इसका उत्पादन भी बड़े पैमाने पर होना चाहिए, तो इसके लिए करोड़ों रुपए का इन्वेस्टमेंट लगेगा और अगर नहीं मिला तो पता नहीं कितने लोगों की जान चली जाएगी। सच है, इसलिए उस दवाई को मैं पेटेंट करवा रहा हूँ। अब उसके लिए चाहे कोई एनजीओ हो या कॉर्पोरेट कंपनी हो या फिर हमारी सरकार ही क्यों ना आगे आए तो इस दवाई को मास प्रोडक्शन करके मार्केटिंग कर सकते हैं। ये दवा अगर आज से 20 साल पहले मार्केट में आ गई होती तो मेरी माँ आज जिंदा होती। ये क्या कह रहे हो तुम? मैं जब 10 साल का था ये तब की बात है। मम्मा, मम्मा। अभी तक आपका एडमिशन क्यों नहीं हुआ? काउंटर पर आपने पैसे नहीं भरे क्या? उसके पति को मरे हुए अभी 2 ही महीने हुए हैं और उसका बेटा भी कितना छोटा है। इतना पैसा कहाँ से लाएंगे सर? एक स्टेंट की कीमत कितनी है पता है आपको? 25,000 से लेके 75,000 रुपए तक है। करोड़ों रुपए लगाकर यह हॉस्पिटल बनवाने वाला पैसे कमाने के लिए बैठा है, सेवा करने के लिए नहीं। तुम्हारे पास पैसे नहीं है तो गवर्नमेंट हॉस्पिटल में जाओ, यहाँ क्यों हो? मेरी मम्मी का इलाज कर दीजिए अंकल, जब मैं बड़ा हो जाऊंगा आपके पैसे दे दूंगा। सॉरी अंकल, अंकल सुनिए। मम्मा उठ जाइए मम्मा, दूसरे हॉस्पिटल में जाना है। उठिए ना मम्मा, मम्मा, मम्मा। खेलने कूदने की उम्र में मैंने अपनी माँ को खो दिया। 1-1 रुपए का मोहताज हो गया। दूध डाला, पेपर बेचा, रोड पे सोया, पार्ट टाइम पे काम किया। रात दिन मेहनत करने के बाद डॉक्टर बना, फिर साइंटिस्ट भी बना। क्यों पता है? क्योंकि जो तकलीफ मुझे उस वक्त हुई थी वैसी दूसरों को नहीं होनी चाहिए। कोई भी अपने भाई बहन माँ बाप को नहीं खोना चाहिए, इसलिए उस दवाई को तैयार करने में मैं जुट गया। यह दवाई किसी भी कीमत में मार्केट में आनी चाहिए और एक बार ये मार्केट में आ गई तो हमारे देश के सारे मेडिकल शॉप में 24 घंटे ये दवाई उपलब्ध होनी चाहिए। इसकी कीमत 1000 रुपए से भी कम होनी चाहिए, यही मेरा सपना है। You are really great. इस समाज में जहाँ हर कोई अपने बारे में सोचता है, तुम इस देश के लिए नहीं बल्कि पूरी मानव जाति के लिए ये काम कर रहे हो। इस बात पर तो मैं सच में हिप्नोटाइज हो गई हूँ। इस वक्त तुम्हें मुझे हिप्नोटाइज करने की जरूरत भी नहीं है। यस! रानी! आ रही हूँ। रानी! क्या हुआ? मैंने बना लिया। बन गया? Yes! Congrats! Wow! Thank you. अब आगे? ISM में अप्लाई करने पे अप्रूव हो गया, पेटेंट में अप्लाई करना पड़ेगा। कॉन्ग्रेचुलेशन मिस्टर यशवंत, कॉर्डी स्टेंट को बदली करके तुमने जो लिक्विड मेडिसिन तैयार किया है Amazing. How is that possible? मेरी कुछ समझ में नहीं आ रहा है. I understand. I very well understand. Mr. यशवंत, लोगों के बारे में तुमने जो सपना देखा है, really, I am proud of you. Come on, tell me. मुझसे अगर कोई भी हेल्प चाहिए तो मुझे जरूर बोलना. I will try to do my level best. IMS में अप्रूवल मिल जाए बस उतना ही काफी है. Sure, मैं ट्राई करूंगा. लेकिन मिस्टर यशवंत, तुम्हें गवर्नमेंट से अप्रूवल मिलने के लिए मिनिमम 2 साल लग सकता है. मैं तो कहूंगा कि एक बार प्राइवेट कंपनी में ट्राई कीजिए. श्योर सर. दिनकर फार्मा करके कंट्री की टॉप 10 फार्मास्यूटिकल कंपनी में से कंपनी है और उसका ऑनर मेरा क्लोज फ्रेंड है. तुम जाकर उससे मिलोगे तो कंफर्म तुम्हारा काम हो जाएगा. थैंक यू सर. ये उसका विजिटिंग कार्ड है. मैं फोन करके तुम्हारे बारे में बता दूंगा. तुम जल्दी जाके उनसे मिल लो. हेलो रवि, हाउ आर यू दिनकर? आई एम गुड. तुम्हें इसके आगे कोडियन स्टंट को फौरन से मंगवाने की जरूरत नहीं है. ये तुम क्या बोल रहे हो? वो कंटेंट होके हमारे ही कंट्री में लिक्विड फॉर्म में तैयार हो गई है. लिक्विड मेडिसिन? और बहुत छोटे अमाउंट पे. आर यू जोकिंग? ये जोक नहीं है दिनकर. मैंने अभी अभी एक छोटी मीटिंग की है. यशवंत नाम का एक आदमी है, नई मेडिसिन का रिसर्च किया है उसने. ये दवा सभी मेडिकलों में 24 घंटे आसानी से लोगों को सस्ते दाम पर मिल जाए, यही उसका सपना है. ओके. मिस्टर रवि ने मुझे तुम्हारी प्रोडक्ट के बारे में सारी डिटेल्स बताई. यशवंत, तुम मेरी कंपनी में क्यों नहीं शामिल हो जाते? ऑलरेडी मार्केट में स्टंट रहने पर आखिर इस मेडिसिन की क्या जरूरत है? वो दवाई बहुत कॉस्टली है सर, जिसकी वजह से गरीब उसे खरीद नहीं पाते और मर जाते हैं. आपकी फार्मास्यूटिकल कंपनी में उसे मैन्युफैक्चर करके गरीब लोगों को लो कॉस्ट में मिले, यही मेरा सपना है सर. और प्राइस क्या लगाना चाहते हो? 900 से लेके 1000 रुपए तक सर. मिस्टर यशवंत, डू यू नो यू हैव डायमंड इन योर हैंड? लेकिन मैं इसे बेचना नहीं चाहता. मैं डॉक्टर इसलिए बना हूं ताकि दूसरे की बीमारियों को ठीक कर सकूं. खुद की जेब भरने के लिए नहीं बना हूं डॉक्टर. और मैं साइंटिस्ट हूं ताकि मेरा जीवन देश की भलाई में काम आ सके. नोटों की गड्डियां इकट्ठा करना मेरे जीवन का मकसद नहीं. तो गरीबों के मन में एक धर्मवीर और समाज की दृष्टि में महात्मा बनने चले हो. महात्मा को पूछते हैं साल में एक ही बार, वो भी धर्म का नाम देकर. तो सर जी, पहले जीना सीखो, उसके बाद देश के बारे में सोचो. मेरे लिए देश पहले है सर. मैंने जो मेडिसिन लिक्विड तैयार की है, सस्ते दामों में लोगों को मिल सके, और यही मेरा सपना है. तुम अपने सपने की कीमत तो बताओ. अपने सपने का सौदा करके लोगों के दिल को दुख पहुंचाऊं, ऐसा इंसान नहीं हूं मैं. कार्डियक स्टेंट का पाइप नहीं मिलने पर मैंने अपनी मां को खो दिया था. वैसी परिस्थिति किसी और को नहीं होनी चाहिए. तुमने अपनी मां को गंवाया क्योंकि तुम्हारे पास पैसे नहीं थे यशवंत. अब तुम दूसरों के दर्द को क्यों अनुभव करना चाहते हो? अगर तुम मेरी बात मानोगे तो पैसे तुरंत तुरंत कमा सकते हो. तुम अपने फॉर्मूला को मुझे बेच दो तो अरबों खरबों की कमाई हो सकती है यशवंत. तुम्हारे जैसे लोगों की वजह से 10 रुपए की चीज 100 रुपए में बिकती है, 100 रुपए वाली चीज 1000 रुपए में बिकती है. तुम्हारा बस चले तो लोगों के सांस लेने पे भी चार्ज लगा दो. मुझे लगता था कि ऑक्टोपस सिर्फ समुद्र में ही रहते हैं, लेकिन जमीन पे भी रहते हैं, अब पता चला. आई एम सॉरी टू से दिस, आई एम टॉकिंग टू द रॉन्ग पर्सन. आप जैसे ऑक्टोपस के चंगुल में फंसी हुई मछली को किसी भी कीमत पर बचा के रहूंगा. Hey, रुक जाओ. मेरा नेटवर्क पूरे आसमान में फैला हुआ है. तुम जहां भी जाओगे उन सारी जगहों पर हवाएं मेरी ही होंगी. चाहे सारी जगह हवाएं आपकी हों, लेकिन पतंग की डोर तो मेरे हाथ में है. अच्छा होगा मेरी बात को अपने दिमाग में बैठा लो. Hey, any good news? है ना? बोलो ना क्या है, बताओ ना प्लीज. प्रपोजल फ्लॉप हो गया, खत्म. प्रपोजल कैंसिल होना कोई गुड न्यूज है क्या? हाँ है ना, ये फॉर्मूला गलत हाथों में जाने से बच गया, यही तो गुड न्यूज है. अच्छा छोड़ो, मैं तुम्हें गुड न्यूज देती हूँ. गुड न्यूज है वो? क्या है? केक खाकर देखो, पता चल जाएगा. ये क्या है? ये हैप्पी न्यूज है. ये क्या बकवास चीज खा रही हो तुम? मुझे इस समय ये खाने का बहुत मन है. पसंद है? अब समझा मैं, ये गुड न्यूज देना चाहती थी तुम मुझे। कांग्रेचुलेशंस माय डियर वाइफ। थैंक यू। हाँ ये अब नहीं, इस खुशी में हम एक पार्टी करेंगे। चलो बाहर चलते हैं। यशवंत वहाँ आम है, मुझे वो चाहिए अभी। 1 मिनट रुको, मैं आता हूँ। इज्जत बचाने के लिए कितने लोगों को मारा तुमने, और जब तुम्हारी बीवी की किसी ने जान ली तब तुमने कोई एक्शन नहीं लिया। कोई विटनेस नहीं था इसलिए मुझे न्याय नहीं मिल पाया। इतना होने के बाद भी कानून के नजरों में उस सत्य को सबके सामने झूठा साबित कर दिया। मैं कुछ नहीं कर पाया। कोई सबूत न मिलने की वजह से रानी के केस को क्लोज कर दिया गया। इसीलिए बिना सबूत छोड़े मैंने अरे आग! सर मैंने कुछ नहीं किया सर, मेरी कोई गलती नहीं है सर। प्लीज मुझे माफ कर दीजिए सर, मेरे बीवी बच्चे हैं सर, छोड़ दीजिए सर। बता किसने मारा मेरी बीवी को? अरे सर आग, सर मुझे बहुत जलन हो रही है सर। सर मैं आपके सामने हाथ जोड़ता हूँ, मुझे छोड़ दीजिए सर, मुझे बता दीजिए सर। सर मैंने कुछ नहीं किया सर, मैंने कुछ नहीं किया सर। सर मैंने कुछ नहीं किया सर। नहीं बताया तो जैसे मेरी बीवी मरी थी वैसे ही तू भी मरेगा। बताता हूँ सर, बताता हूँ। नहीं सर। बता, ये तुम क्या कह रहे हो दिनकर? ये बिल्कुल सही है, मैं भी डाइजेस्ट नहीं कर पा रहा हूँ। हम क्या 10-20 हजार की फैक्ट्री चला रहे हैं? बैंक से लाखों रुपए का कर्जा लेकर ये फार्मास्यूटिकल कंपनी चालू की है, हमारा क्या होगा? अरे इसी विषय में बात करने के लिए मैंने तुम लोगों को यहाँ बुलाया। क्या करना चाहिए तुम ही लोग बताओ। ये कोई समस्या थोड़ी है, वो जितना पैसा मांगे उतना उसे दे दो और वो फॉर्मूला हमें दे देगा, बात खत्म। नो चांस। कोहिनूर और डायमंड के साथ करोड़ों रूपए की लालच अगर उसे दोगे तो भी वो नहीं मानेगा। अरे डील भी नहीं कर रहा है, कन्विंस भी नहीं मान रहा है, तो क्या करना चाहिए बताओ? वो छोड़ो यार, किसी को सुपारी दे देते हैं। दिनकर ने बोला था सर, वो फार्मास्यूटिकल कंपनी के मालिक दिनकर ने बोला था सर। अब तो बता दिया ना सर, अब तो छोड़ दो मुझे। बहुत जलन महसूस हो रही है सर, मैं ये सहन नहीं कर पा रहा हूँ सर, मुझे छोड़ दीजिए सर। सर मैंने अब बता दिया है सर। सर प्लीज छोड़ दीजिए सर। सर कोई बचाओ बचाओ बचाओ। बचाओ बचाओ। बन जाए ऐसा तू, अपना दोस्त है तू, बातें सब जानता है रे तू। बन जाए परफेक्ट तू, मैं तो ऐसा चाहूं, सब कुछ कर सकता है यार तू। ना किसी के भी आगे अब डरे तू, तू सबसे अलग है ये जान ले तू। न्याय सभी को दे ले, अन्याय खत्म करने। तू है अलग और तू है तेज, सबसे अलग है तेरा फेस। पापियों को ना एक पल भी छोड़े तू, पल भर में यारा होता उड़न छू। पापियों को ना एक पल भी छोड़े तू, पल भर में यारा होता उड़न छू। अपने दुश्मन को जाने कार्य कोई ना कठिन माने, ओ मेरे यार तू सबसे बड़ा तू। उस कमरे का दरवाजा खोलकर तुम्हारी सारी यादों को मैंने ताजा कर दिया। आई एम सो सॉरी यशवंत। वो कमरा तुम्हारे प्यार की निशानी है। वहाँ तुम्हारी रानी ने तुम्हारे साथ कितनी खुशियाँ, कितने सारे दुख बांटे हैं, कितनी यादें जुड़ी हैं वहाँ से। ऐसे प्यार को तुम भुलाने जा रहे थे, ये क्या सही है? एक स्टेंट को 1 लाख रुपए खर्चा होता है, वहीं जो मेडिसिन्स तुमने तैयार की थी वो सिर्फ 1000 रुपए में मिलेगी। वो संजीवनी है, तुम्हें समझ नहीं आ रहा है क्या? ऐसे अचीवमेंट को तुमने रोक के रखा है यशवंत। यशवंत, अगर तुम अपने दिल के दर्द को संभाल लोगे तो लाखों लोगों के दिल का दर्द कम हो जाएगा। तुम्हारे लैब में सिर्फ एक ही लाइट रहेगी तो सोचो कितने लोगों के घर में चिराग जल उठेंगे। जरा सोच कर देखो, उस उजाले में तुम रानी को ढूंढ सकते हो, उनके दिलों में तुम रानी को देख सकते हो। यशवंत, तुम्हारा लक्ष्य और सपना जानने के बाद मुझे फार्मास्यूटिकल कंपनी बनाकर पैसे कमाने का जो लालच था वो चला गया। यशवंत, तुम अकेले नहीं हो, मैं तुम्हारे साथ हूँ, विश्वास करो। और तुम्हारा पेटेंट मैं लूंगी, बिजनेस नहीं करूंगी, सर्विस करूंगी मैं। मेरी जमीन जायदाद सब तुम्हारे रिसर्च में लगा दूंगी। तुम्हारे ये मेडिसिन्स सारे मेडिकल स्टोर्स में मिलने चाहिए। इट्स माई ड्रीम। हाँ, क्या है गुरु? तुम्हें साहब बुला रहे हैं, चलो। कौन साहब बुला रहे हैं? एसीपी साहब, डीसीपी साहब या जयमाला ताई साहब? ऐसा ही साहब बुला रहे हैं, चलो। ऐसा ही साहब हैं, मैं आता हूँ गुरु। सर नमस्कार सर। क्या बात है सर, घर तक आ गए? कर्नाटका पुलिस इतनी स्ट्रांग है, आपने दिखा दिया सर। वो सब तो ठीक है, कहाँ है सर मेरा डॉगी? कहाँ है मेरा डॉगी सर? कहाँ है डॉगी? अभी तक नहीं मिला है। यही बोलने के लिए यहाँ तक आए क्या सर? 20 पैसा खर्च करके मोबाइल से बात कर लेते ना। तुमसे हमारे डिपार्टमेंट को कुछ मदद चाहिए। इसीलिए तो कहते हैं ना सर कि पुलिस का टाइम भी आता है तो इस डीसी का भी टाइम आएगा, देखिएगा। उस दिन जब मिला था तो मेरी अच्छे से तेल निकाल दिए थे, अब मेरी याद आ गई क्या? तुम डॉगी को नहलाते हो ना, उसमें से ब्रॉडविल डॉगी कितने हैं? सिर्फ एक ही है सर। ठीक है, उस ऑनर का एड्रेस और फोन नंबर मुझे दो। सर उसके ऑनर के सामने ही आप खड़े हैं। मजाक कर रहे हो क्या? मजाक करने के लिए मेरे पास टाइम नहीं है सर। वो ब्रॉडविल डॉगी कहीं भी देखेगा तो मुझे इन्फॉर्म करना। ठीक है सर, इन्फॉर्म कर दूंगा। तो मुझे क्या मिलेगा? कैरेक्टर सर्टिफिकेट दिलवाता हूँ। ठीक है सर, आप ना 10,000 रूपए खर्च करके उस डॉगी को ही खरीद लीजिए। हाँ। उसके बाद जिस आदमी का मर्डर हुआ है उसका खून ले आकर उसके मुंह पर और हाथ पैर पर अच्छे से लगा दीजिए। उसके बाद मर्डर हुआ, उस डॉगी को पकड़ लिया ऐसा बोलकर कोर्ट में पेश कर दीजिए। वो डॉगी जज के सामने कहाँ बोलने वाला है कि मैंने ही मर्डर किया है जज साहब, नहीं बोलेगा ना। उसके बाद आपको प्रमोशन और मुझे कैरेक्टर सर्टिफिकेट मिलेगा। कैसा लगा सर आइडिया? सुपर आइडिया। इडियट, पुलिस को ही पागल बना रहे हो। ब्रॉडविल जहाँ दिखे तुम मुझे इन्फॉर्म कर देना। क्या बोल रहा हूँ, समझ गए ना? ए गोविंद, बैठ जाओ। समझ गया गोविंदा। यशवंत, तुम बाहर जा रहे हो? हाँ जा रहा हूँ, मुझे शॉपिंग करनी थी। मुझे शॉपिंग मॉल तक छोड़ दोगे? तुम्हें क्या चाहिए बोलो, मैं खुद लेता आऊंगा। नहीं नहीं, मुझे ही जाना पड़ेगा। सरप्राइज वाली बात है, तुम बिल्कुल टेंशन मत लो, मैं केयरफुली जाकर आ जाऊंगी। ओके प्लीज। ठीक है चलो। बाय जक्कल, मुझे यहीं उतार दो। तुम जाओ, बाय। ध्यान से और जल्दी आ जाना। ओके बाय। 1 मिनट को बाद में कॉल करता हूँ। हाँ बालू बोलो। सर उस लड़की को मैंने अभी अभी देखा। उस लड़की का पीछा करो। हाँ। वो कहाँ जाती है, क्या करती है और उसका घर कहाँ है, ये सब पता करो। ठीक है सर। ₹100 मैडम। थैंक यू। हाँ बालू बोलो। उस लड़की का घर मैंने देख लिया सर। थैंक यू थैंक यू। साइलेंस। यशवंत जयकाल, आरुषि, जयकाल, आरुषि, जयकाल, जय जयकाल, जयकाल क्या हुआ तुझे? जयकाल, आरुषि आरुषि, 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 बालू इधर आओ। मुझे थोड़ा अर्जेंट काम आ गया है, मैं जरा जाकर आता हूँ। हाँ। बिग बॉस अगर पूछेंगे तो उनसे बोलना मैं आ रहा हूँ। ये लो सूटकेस अंदर रख दो। और ये तुम्हारे हाथ पे पट्टी कैसी? कुत्ते ने काट लिया है सर। फालतू ने ये रोड छापने पाला हुआ था सर। इंजेक्शन लिया ना? हाँ ले लिया है सर। हल्के में मतलब भाई, डॉक्टर को बराबर दिखाते रहो, ये बहुत डेंजर है। अपना ख्याल रखो भाई। इस सूटकेस को मैं ही रख के आता हूँ। एक्सक्यूज मी, ये ड्रेस आपको पता है क्या? बैठ जाओ। बोलो, तुम्हें किसके घर के कुत्ते ने काटा है? वो आरुषि के घर का कुत्ता था। आरुषि के घर तुम क्यों गए थे? मेरे मालिक ने बोला था इसलिए गया था। तुम्हारा मालिक कौन है? फेमस क्रिमिनल लॉयर सेसाचेला। कुत्ते को और आरुषि को क्यों मारा, डिटेल में बताओ। मैंने आरुषि को मॉल के पास देखा और घर तक उसका पीछा किया। तुम्हारी हैंडराइटिंग तुम्हारी तरह ही खूबसूरत है। एक ऑटोग्राफ लेने के लिए आया हूँ। पेपर लाओ। इसके ऊपर एक साइन कर दो। नहीं करूँगी। कर दो मैडम। नहीं करूँगी। कर दो मैडम। नहीं करूँगी मैं। करना ही पड़ेगा। नहीं। देखो मैडम, हमारा तुमसे कोई लेन देन नहीं है। इसके ऊपर साइन कर दो, हम चले जाएंगे। नहीं करूँगी, नहीं करूँगी। देखो, बेकार में जिद मत करो, साइन कर दो। मैं यशवंत को बुलाऊंगी। कौन है वो यशवंत? बुलाओ उसको, बुलाओ। ए, कौन है यशवंत? चल साइन कर। नहीं करेगी तो जान से जाएगी। साइन कर। मेरी जान भी चली जाएगी तो मैं नहीं करूंगी। हाँ? भैया, ऐसा क्या? अंदर आओ। नमस्कार, मैं हूं आपका होस्ट और हमारे आज के प्रोग्राम में आपका हार्दिक स्वागत है। अब हमारे साथ इस चर्चे पर बात करने के लिए आए हैं एसीपी शंकर और हिप्नोटिज्म के एक्सपर्ट डॉक्टर रामदास स्वरूप भी मौजूद हैं। सर, आप दोनों का इस कार्यक्रम में हार्दिक स्वागत है। जैसा कि आप जानते हैं कि हमारे कार्यक्रम में हमेशा गर्मा गर्म खबरें आती ही रहती हैं। मेरा पहला प्रश्न है एसीपी शंकर से। सर, फार्मास्यूटिकल के मालिक मिस्टर दिनकर का मर्डर होके काफी दिन हो चुके हैं, लेकिन अब तक उन्हें काट कर मार देने वाले डॉग और उसके मालिक के बारे में कुछ पता नहीं चला है। अब आप बताइए, इसी के बारे में लोग तरह तरह की चर्चा कर रहे हैं। आज से पहले ऐसा कभी नहीं हुआ है। इसके बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? तेज हवा में घर बांधना आसान नहीं होता, ये बात तो आपको भी पता है। कोई केस काफी कॉम्प्लिकेटेड रहते हैं। इट टेक्स सम टाइम। सम टाइम मतलब? जल्दी सॉल्व हो जाएगा। जल्दी मतलब उस डॉग को और उसके मालिक दोनों को पकड़ लेंगे आप, यही कहना है आपका? 100%। वो मर्डर करने वाला कहीं भी रहे, वो बच नहीं सकता। डॉक्टर रामदास जी, आपसे एक सवाल है। एक डॉग इंसान पर अटैक करके उसे मार देता है, क्या ऐसा हो सकता है? डॉगी एक शांत प्राणी है, वो क्रूर नहीं है। उसे छेड़ने पर ही वो भौंकता है और काटता है। लेकिन ये दिनकर के केस में कुछ विचित्र सा है। किसी ने उसे शायद ट्रेनिंग दी होगी या फिर हिप्नोटाइज करके मर्डर करवाया होगा, ऐसा मुझे लगता है। प्रोग्राम को आगे बढ़ाने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। तो साथियों, अब तक जो भी आपने सुना डॉक्टर रामदास के विचार के बारे में, उसके बाद हमारे साथ एक दूसरे डॉक्टर हिप्नोटिस्ट राजनाथ जुड़ चुके हैं। वो क्या कहते हैं जरा सुनते हैं। सर, इस बारे में आपका क्या कहना है? डॉक्टर रामदास ने जो बोला है वो सच है। प्राणियों को हिप्नोटाइज करके हमारा काम उनसे करवा सकते हैं। ऐसा करवाने में हम इंसानों में बहुत से लोग हैं जो इस तरह कुत्ते को ट्रेनिंग देते हैं और हमें इन लोगों से बच के रहना चाहिए। एसीपी साहब, डॉक्टर राजनाथ बहुत ही क्लियर बता रहे हैं। हम किसी भी प्राणी पक्षी को हिप्नोटाइज करके उससे अपना काम करवा सकते हैं। इसके बारे में आपका क्या कहना है? नो कमेंट्स। इन्वेस्टिगेशन चल रही है। गुनहगार कितना भी स्मार्ट हो लेकिन वो हमारे हाथ से बच नहीं पाएगा। इसका मतलब इस समय आप कुछ भी कहना नहीं चाहते? नो। ओके, एनीहाउ सर, अब तक हमारे प्रोग्राम को आगे बढ़ाने के लिए आपका धन्यवाद। नमस्कार। थैंक यू। तो साथियों, गर्मा गर्म चर्चाओं वाला प्रोग्राम आपने अभी अभी हमारे टीवी चैनल पर देखा। दिनकर की हत्या की गर्मा गर्म खबर हमारे टीवी चैनल पर आपने देखी। अगले हफ्ते एक और नई कहानी के साथ मैं आपके सामने आऊंगा। तब तक देखते रहिए हमारा चैनल टीवी 942। हेलो। तुम और तुम्हारे साथियों ने एक बेकसूर लड़की को जान से मार डाला और खुद मजे कर रहे हो। Hey! कौन हो तुम? तेरी बातों का जवाब देने वाला मैं कोई गुलाम नहीं हूँ। ओह, धमकी दे रहे हो पैसा वसूली करने के लिए? कहाँ से? मुंबई, मैंगलोर या दुबई या फिर बेंगलुरु के लोकल कुत्ते हो तुम? बोल रहे कौन है तू? ज्यादा चिल्ला मत, चिल्लाने से तेरा गला फट जाएगा। एक बार ट्रिगर दबाऊंगा ना तो तेरे घर की सारी दीवारें कलरफुल हो जाएंगी। मुझे धमकी दे रहा है? हाँ? नहीं, बीवी और बच्चों के साथ थोड़ा वक्त गुजारने का मौका दे रहा हूं तुझे। हाँ? कौन हो सकता है ये? जीजा जी, आपका चेहरा ऐसा कैसे? कैसा है? हाँ? जब सुबह ऑफिस आए थे तो अच्छे से गेहूं से बनी चपाती के जैसा था, अब देखो तो रिफाइंड ऑयल में तली हुई पूड़ी के जैसे फूला हुआ है। ज्यादा जुबान चलाएगा तो दो चार लगाऊंगा तुझे। ए बालू, आज हुआ क्या ही नहीं पता नहीं। बालू, गाड़ी निकाल। बालू, ए बालू। वो नहीं है जीजा जी, कल शाम से दिखाई कहाँ दे रहा है वो। अब क्या करूं, हमेशा समय पर धोखा देता है। सारा ठीक से हो जाना चाहिए। ठीक है सर। हाँ। हे, धर्मराज कहाँ है? ऊपर है सर। हाँ, थैंक यू। धर्मराज, धर्मराज। हे, क्या हुआ? जाओ, जाओ यहाँ से। हे, हमने जिस लड़की का मर्डर किया था वो किसी को पता चल गया है। हाँ? अब हम क्या करें यार? हाँ? आया तुम हो, हमसे पूछ रहे हो? धर्मा, धर्मा, धर्मराज, उठो, 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 धर्मा, ये धर्मा, धर्मराज, चल 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 निकल यहाँ से। आपसे कुछ सवाल पूछने थे। पूछिए सर। अंधा पैदा होने से ज्यादा दुख आंख रहकर भी उसे खो देने का दुख, उसे मैं बहुत अच्छे से समझ सकता हूं, लेकिन मैं वो दर्द कम नहीं कर सकता। आप हिम्मत रखिए। आपको किसी सगे संबंधी पर या किसी और पर शक है? नहीं सर। तुम्हारे पति का किसी के साथ झगड़ा, मिसअंडरस्टैंडिंग, दुश्मनी या कोई फेक कॉल आया था उनके पास? नहीं सर, वो बहुत अच्छे इंसान थे, किसी के साथ उनकी कोई दुश्मनी नहीं थी। इस सेसनाचेला और धनंजय के बारे में आपका क्या कहना है? वो दोनों मेरे छोटे और बड़े भाई की तरह थे सर। तुम्हारे पति का गलत मत समझना, किसी के साथ कोई अफेयर तो नहीं था? नहीं सर। थैंक यू। Place it. Thank you. तुम तीनों लोग कितने सालों से बिजनेस कर रहे हो? अब यही कुछ 15 सालों से। बिजनेस में आप तीनों के बीच कोई मनमुटाव या झगड़ा या दूरियां, कभी कुछ ऐसा हुआ था? कोई दूरियां नहीं थी, लेकिन अब वो हमें छोड़कर चला गया है तो दूरियां हो गई हैं सर। तुम दोनों को बगैर बताए हुए धनराज ने कोई दूसरा बिजनेस भी शुरू किया था क्या? सर, हम कोई भी प्रॉपर्टी मिलजुल कर ही खरीदते हैं। ऐसी थी हमारी दोस्ती। अगर आपको विश्वास नहीं होता है तो लोगों से पूछकर देख लीजिए। तुम्हारे कोई दूसरे बिजनेस में लिंक है क्या? लाइक हैदराबाद, चेन्नई, मुंबई? बेंगलुरु के अंदर ही हमारा सारा बिजनेस चल रहा है सर, तो फिर हम मुंबई या कहीं बाहर क्यों जाएंगे? ऐसा है तो धर्मराज का मर्डर किस लिए हुआ? ये तो आपको पता लगाना चाहिए ना सर। पुख्ता सबूत मिले बिना किसी पर शक नहीं कर सकता। आई विल सी यू गाइस सून। लेट्स गो। आइए सर, आइए, यहाँ पर आइए सर। यही सर, यहीं पर, यहाँ सर, ठीक इसी जगह पर हमारे धर्मा का मर्डर हुआ है सर। जिसने शूट किया तुम में से किसी ने देखा? सर, हम दोनों बहुत ज्यादा डर गए थे। हमने चारों तरफ देखा सर, लेकिन हमें कहीं कोई नजर नहीं आया। गोली किस तरफ से आई थी तुम्हें पता है? सर, धर्मा हमसे बात कर रहा था और बुलेट पीछे जाके लगी। हाँ। मेरे ख्याल से गोली इधर से आई थी सर। Good morning, sir. Good morning, sir. Good morning. Officers, क्राइम के इतिहास में पहली बार मैंने ऐसा केस देखा है। पब्लिक की सेवा करने वाले हम किसी भी कारण से मीडिया से डरने नहीं चाहिए। सिद्धप्पा, कोई क्लू? मुंबई, हैदराबाद, चेन्नई सभी पुलिस स्टेशनों में तहकीकात कर ली है सर। वहाँ से कोई भी शार्प शूटर आने का कोई चांस नहीं है सर। एयरपोर्ट, रेलवे स्टेशन, बस स्टैंड, इन सभी का सीसीटीवी फुटेज मंगाकर चेक कर लिया है सर, जिस पर शक हो ऐसा कोई भी व्यक्ति नहीं मिला सर। टेररिस्ट की प्रॉब्लम बढ़ने से हमारी पुलिस ज्यादा होशियार हो गई है सर। एक बात और सर, बेंगलुरु में सीसीटीवी कैमरे से बचकर आना बहुत मुश्किल है सर। हमारे इस लोकल शहर में शार्प शूटर कोई नहीं है सर। 2 साल पहले एक सलीम नाम के शार्प शूटर को हमने ही एनकाउंटर किया था सर, और उस एनकाउंटर के बाद कोई भी पैदा नहीं हुआ सर। जिस बुलेट से मर्डर हुआ है वो बुलेट लोकल है और कोई सबूत छोड़े बिना ही मर्डर किया है उसने। वो बहुत ही इंटेलिजेंट है सर। पुलिस हाईली इंटेलिजेंट, मर्डर करने वाला कितना भी चालाक क्यों ना हो, आखिर में जीत हमारी ही होगी। एसीपी शंकर अब हमारे चैनल पे हमारे साथ फोन लाइन पर मौजूद हैं। वेरी गुड आफ्टरनून सर, मैं यहाँ लाइव चैनल उदय से रचना बात कर रही हूँ। बोलिए रचना जी। कल धर्मा बिल्डिंग की उनके साइट पर हत्या हुई और उस हत्यारे के बारे में आपको कुछ पता चला है सर? इन्वेस्टिगेशन चल रही है। हमने 4 टीम बनाकर हैदराबाद, पुणे, चेन्नई, मुंबई भेजी है। मर्डर करने वाले के बारे में ऑलरेडी हमें क्लू मिल चुका है सर। वो जो शार्प शूटर है वो लोकल है या फिर मुंबई से आया हुआ है सर? नो कमेंट्स ऑन दैट। जितना जल्दी हो सके द गिल्टी विल बी पनिश्ड। ओके, हमारे साथ बात करके इंफॉर्मेशन शेयर करने के लिए थैंक यू सो मच। थैंक यू। इंस्पेक्टर एसीपी शंकर, जिन्हें बहुत ही स्ट्रिक्ट का नाम दिया गया है, वो प्रकरण को जल्दी से सॉल्व करने जा रहे हैं। इसके लिए उन्हें ऑल द बेस्ट। राज्य में जो भी परेशानियां हो रही हैं, उसके लिए आज एक बैठक होने वाली है। इस बैठक में आने वाले हैं मुख्यमंत्री और उनके साथ बहुत सारे मेंबर्स। अरे कहाँ है तुम्हारा पति? 1 हफ्ते से वो काम पर नहीं आया। उन्हीं के बारे में तो पूछने आई हूँ सर। वो घर पर भी नहीं आए हैं और उनका फोन भी स्विच ऑफ आ रहा है। अरे कहाँ चला गया वो? अपने किसी रिश्तेदार के पास गया होगा, जाकर वहाँ पता करो। हमारी लव मैरिज है सर, कोई रिश्तेदार हमें घर पर नहीं आने देता है। बच्चों को ठीक से खाए हुए 1 हफ्ता गुजर गया है, इसलिए आपसे पूछने आई हूँ सर। मुझसे पूछने आई हो? अरे तुम्हारे पति को ढूंढने वाला मैं कोई पुलिस हूँ क्या? वकील हूँ। उस समय तो उन्होंने कहा कि काम पर जा रहा हूँ सर। ऐसा क्या? अगर वो मेरे पास रहेगा तो मेरी जवाबदारी, तुम्हारे पास रहेगा तो तुम्हारी जवाबदारी। मुझे तो लगता है वो भगवान के पास होगा। फिर आगे अपनी गंदी शक्ल लेकर मुँह बंद कर। मेरी बात सुनो, तुम जाओ और जाकर पुलिस स्टेशन में कंप्लेन करो। वही लोग तुम्हारे पति को ढूंढ कर लाएंगे, ठीक है? ए, बालू के इस महीने का पगार इन्हें ले जाकर दे दो। और सुनो, बालू अगर घर पर आ जाए तो उसे तुरंत मुझसे मिलने के लिए बोलना, ठीक है? ठीक है सर। आखिर कहाँ चला गया वो? तुम्हारे पति क्या काम करते हैं? कार ड्राइवर है सर। कहाँ काम करते हैं? वो एक बहुत बड़े लॉयर हैं। सेसाचेला नाम है उनका। सेसाचेला क्रिमिनल लॉयर? हाँ सर, उन्होंने ही मुझसे कहा कि मैं यहाँ आकर कंप्लेन कर दूं। मेरे पति का मोबाइल भी नॉट रीचेबल आ रहा है सर। त्रिशूल सर, इनसे इनके पति का नंबर लेकर लोकेशन ट्रेस करो। यस सर। आप जाइए। बहुत बहुत धन्यवाद। अब हमें क्या करना चाहिए? अब हमें संभल कर रहना पड़ेगा। हमें सर्कल में किसी से मिलना नहीं चाहिए, समझे? जीजा जी, वो एसीपी साहब आए हुए हैं। एसीपी साहब? पनौती है तू। आज तक तूने कोई भी अच्छा काम किया है क्या? जाकर भेजो उन्हें। अच्छा काम करने के लिए कभी दिया है क्या? ये एसीपी यहाँ क्यों आया है? हाँ एसीपी साहब, आइए बैठिए बैठिए। हमारे धर्मराज के मर्डर के बारे में कुछ पता चला क्या? पार्किंग लॉट से एक बाइक चोरी होने पर हम उन्हें नहीं छोड़ते, और ऐसे में यहाँ एक बहुत इंपॉर्टेंट इंसान का मर्डर हो गया है, हम कैसे छोड़ देंगे? मुजरिम जल्दी ही सलाखों के पीछे होगा, देख लेना। क्या सच? अब आप जल्दी से बता दीजिए कि वो कौन है। इट इज कॉन्फिडेंशियल। मैं यहाँ पर आया हूँ तुम्हारे ड्राइवर बालू के बारे में पूछने के लिए। वो कई हफ्तों से मिल नहीं रहा है, इसलिए उसकी बीवी ने आकर हमें कंप्लेंट लिखाई है। अरे वो जब से काम पर नहीं आ रहा, मेरे तो हाथ पैर काम करना बंद कर दिए हैं। मेरी कार का ड्राइवर था वो, मेरे पर्सनल काम को अटेंड करता था, बहुत भरोसेमंद आदमी था। इतना भरोसेमंद आदमी कई दिनों से आ नहीं रहा था और तुमने कंप्लेंट भी नहीं कराई? क्या सर आप भी? आप ये कहना चाहते हैं कि मैंने अपने मतलब के लिए उसका किडनैप करवाया होगा? उसकी बीवी यहाँ पर आई थी और उसने कहा कि उसका पति एक हफ्ते से घर पर नहीं आया है, तो मैंने ही उससे कहा कि पुलिस स्टेशन जाओ और जाकर कंप्लेन लिखवाए तो तुम्हारा पति मिल जाएगा। और सर आप मुझ पर ही शक कर रहे हो। क्यों गिल्टी कॉन्शियस हो रहे हो? मैं पूछ रहा हूँ कि तुमने कंप्लेंट क्यों नहीं लिखाई। अब ये क्राइम तुम्ही ने किया है, मैंने ऐसा तो नहीं कहा। अब आप तो ऐसा ही बोलेंगे ना। मुझे क्रॉस चेक करने से कुछ हासिल नहीं होगा, उसकी बीबी से जाकर पूछिए, शायद कुछ क्लू मिल जाए। क्लू तो छोड़ो, अगर हमें एक बाल भी मिला तो हम ऐसे मुजरिम को नहीं छोड़ते, और अगर वो कंफर्म हुआ तो क्या हम उसे ऐसे ही छोड़ देंगे मिस्टर सेसाचेला? एक बात याद रखना, चाहे बातों से हल निकले या ना निकले, क्राइम करने वाला ना मिले ऐसा कोई चांस ही नहीं है। आई विल बी बैक। बाहर में जाएं। एक काम करते हैं, एसटीपी को सब कुछ बता देते हैं। hey, अगर उसे बता देंगे तो ये वैसा ही होगा कि आ बैल मुझे मार। हम तो चुप हो जाएंगे सेसा, लेकिन उसे भी तो चुप बैठना चाहिए। वो चुप बैठे या ना बैठे, लेकिन ये सेसा चेला चुप रहने वाला नहीं है। सर, इतने बड़े लोग हमसे मिलने आए हैं, इसका मतलब हमारी भी कुछ इज्जत है। हमें लगा हमारी कोई इज्जत ही नहीं है। इतने दिनों से बेल करवाने के लिए तुम्हें बोला था, लेकिन वो तुमसे नहीं हुआ। अब हमें देखने आए हो तो जरूर कुछ काम होगा। कानून को तुम लोग नहीं जानते, और वैसे भी इन सलाखों के पीछे जो तुम्हें दर्द हो रहा है उसे मैं समझ सकता हूँ। इतना ही समझ सकते तो, इतने दिन हमें सलाखों के पीछे नहीं छोड़ते। तुकाराम, नामदेव, तुम दोनों मुझे गलत समझ रहे हो। मैं तुम लोगों के साथ ही हूं, ये तुम लोग जानते भी हो। पहले जो जज था वो बहुत ज्यादा कड़क था, वो मेरी बात मान ही नहीं रहा था, लेकिन अब जो जज आया है वो मेरा रिश्तेदार है। ऐसा है तो हमें बेल दिलवा दो सर। इसीलिए तो यहां आया हूं, लेकिन मुझे तुम लोगों से एक मदद चाहिए। समझ गया, तुम्हें किसी को ठिकाने लगाना है, इसलिए हमें बाहर आना पड़ेगा, है ना? हाँ, हो सकता है। अगर तुम्हें बिरयानी खानी है तो बकरे को काटना ही पड़ेगा। वो मार्वल के गोडाउन के सामने अकेला बैठा है भैया। तो बकरी के बच्चे के जैसा है, इसे मारने के लिए इतने लोगों की क्या जरूरत थी? ए, खड़ा हो जा, चल। तुकाराम, अब जल्दी से बता दे कि उसकी कहानी खत्म हो गई। कहानी अभी शुरू हुई है, कल खत्म होगी। कल तेरा आखिरी दिन है। कल 5:30 बजे तेरा बर्थ सर्टिफिकेट फाड़ कर मैं उनसे पार्टी से तेरा डेथ सर्टिफिकेट निकलवा दूंगा। हे, क्या हुआ? वो बोल रहा है कल 5:30 बजे मेरा बर्थ सर्टिफिकेट फाड़ कर डेथ सर्टिफिकेट निकाल लेगा। उसके ऊपर हम भरोसा नहीं कर सकते। कल बोलकर आज ही खत्म कर दिया तो? धनंजय, तुम बिल्कुल सही कह रहे हो। हम लोग एक काम करते हैं, हम दोनों अपना घर छोड़कर कहीं और चले जाते हैं, फिर देखते हैं कि वो क्या कर लेता है। मेरे जीजा जी ने क्या लोगों को बुलाया है भैया। ये अब ये क्या है? हे, सुनो, सब लोग ध्यान से सुनो। आज से पेपर वाला, दूध वाला और केबल वाला, उन्हें छोड़कर कोई भी मुझे ढूंढते हुए आए तो उसे अंदर मत आने देना। और तुम सभी लोग एक ही जगह जमा मत रहो, घर के अगल बगल चक्कर लगाते रहो। अगर किसी पर भी शक हो तो मुझे आकर बताना, समझ गए? किसी मंत्री को भी अंदर मत आने देना। चला जा। सुनिए सुनिए जी, आपको पता है मैंने आमनूर के मंदिर में चढ़ावा चढ़ाने की मन्नत मांगी है, आप भी मेरे साथ चलिए ना। मैंने भी वही किया है, 1 हफ्ते तक इस घर से बाहर कदम नहीं रखने का व्रत ले रखा है। हे भगवान, घर में भी रहने का कोई व्रत होता है क्या? हाँ दीदी, तुम्हारा व्रत है पतिव्रता व्रत, जीजा जी का पत्नी व्रत। एक दूंगा ना। क्यों जी, आप इस पर इतना क्यों चिल्ला रहे हैं? देखो, तुम बुरा मत मानना। तुमने इसे बिगाड़ कर रखा है, इसकी आंखों में मेरे लिए जरा भी इज्जत नहीं है। मुंह में जो आता है बकते रहता है, इतना सर पे चढ़ा रखा है तुमने। चलो ऊपर आओ, ऊपर आओ। कांटा है यार। ना आने के लिए 1000 बहाने, मैं ही चली जाती हूँ। जीजा जी, 60 बनाऊं कि 90? 60 बना, 90 बना, बना और जाकर कहीं मर। अरे हेलो हेलो सर, मैं गोविंदा बैंक से बात कर रही हूँ। आपको लाखों रुपए का होम लोन मिल सकता है सर। आप अपना घर बनाकर उसमें शांति से रह सकते हैं। आपको चाहिए क्या सर? गोविंदा बैंक से? हाँ सर। बहुत अच्छा नाम है तुम्हारे बैंक का। देखो जी, इस घर में मेरी मान मर्यादा शांति कुछ भी नहीं है, और अब ऊपर से तुम्हारे यहाँ से कर्जा लेकर एक नया घर बनाऊं क्या? फोन रख। हाँ, वैसे ही मैं टेंशन में हूँ और ये कर्जा देने की बात कर रही है। अरे इसने चखना तक भी नहीं रखा है। ए, अगर कुछ वेफर वगैरह है तो जल्दी लेकर आ। आ रहा हूँ जीजा जी, इतनी जल्दबाजी क्यों? लो, खा लो। प्लास्टिक का फुग्गा है। अरे पागल, पहले से ही मैं टेंशन में हूँ, तू मुझे और टेंशन क्यों दे रहा है? डैडी डैडी, हेलीकॉप्टर ऊपर अटक गया, निकाल के दे दो ना। जाओ यहाँ से, जाओ, चलो यहाँ से। डैडी, अरे ऐसे क्या बात हो गई जी, इतना भड़क क्यों रहे हैं? देख, ज्यादा बोलेगी तो मार डालूंगा तुझे, भाग यहाँ से। बोला ना जाओ। लगता है तुम्हारे पापा पागल हो गए हैं। चलो बेटा। अरे मेरा मुंह क्या देख रहा है? फोन की घंटी बज रही है, सुनाई नहीं दे रहा, उठाओ उसे। अरे जीजा जी जरूर किसी लोन की स्कीम देने वाले का फोन होगा। मुंह बंद करो और उठाओ। हेलो, हाँ क्या बोल रहे हो? क्या हुआ? हाँ? जीजा जी उसने यहाँ का मुहूर्त देखकर वहाँ धनंजय को मार दिया है। जीजा जी आप कितना भी समय यहाँ खड़े रहे ये जिंदा नहीं होने वाला, हार सूखने से पहले इसे चढ़ा दीजिए। सेसाचेला, हाँ। दूसरों के लिए बुरा सोचने वाले के साथ भी बुरा होता है। सोच कर देखो, यहाँ पर जो कुछ हुआ वो तुम्हारे साथ भी हो सकता है। अरे ये सब क्या है? हाँ? ये सब जमीन जायदाद के पेपर हैं और सारे गहने और पैसे भी। वो तो ठीक है, लेकिन यहाँ क्यों लाकर रखा? हो, मैं समझ गया कि तुमने इसे यहाँ लाकर क्यों रखा। तुम ये जताना चाहती हो कि मुझे अपनी बीवी से ज्यादा इन सब का लालच है, सही कहा ना? कुछ पत्थर तराश कर काम में आ जाते हैं, लेकिन कुछ पत्थर ऐसे भी होते हैं जो हमारे कुछ काम नहीं आते। बहुत पुराना डायलॉग है, इससे उसका कोई मतलब नहीं। देखो फालतू की बात करने की कोशिश मत करो, तुम्हें जो भी कहना है साफ साफ कहो। आप मेरी बातों से बदल जाएंगे या मैं आपको सुधार दूंगी, मैं इस भ्रम में बिल्कुल नहीं हूँ। मेरा पति भले ही एक अच्छा इंसान ना हो, लेकिन ये बात मुझे अंदर ही अंदर खाए जा रही है। लक्ष्मी, लगता है तुम डिप्रेशन में हो। कल ही चलकर एक अच्छे साइकेट्रिस्ट से मिलते हैं और तुम्हारी काउंसलिंग करवाते हैं। काउंसलिंग की जरूरत मुझे नहीं है, वो आपको है। आपके दो दोस्तों का मर्डर हो गया है ना, उन्होंने अब तक जो भी पैसा कमाया है क्या वो उन्हें बचा पाया है? बोलिए ना, बोलिए। मेरा पति कोई गलत काम करके पैसा लाए ऐसा सोचने वाली बीवी नहीं हूँ मैं। मुझे मन की शांति चाहिए, पैसा नहीं। अब जो भी कमाएंगे मुझे उसे आनंद मिलना चाहिए, आतंक नहीं। सुख मिलना चाहिए, मुझे दुख नहीं चाहिए। मैं ऐसी औरत नहीं हूँ जिसे अपनी जिंदगी में पैसे और जमीन जायदाद चाहिए। मुझे ये सब नहीं चाहिए। मैं चाहती हूँ कि सिर्फ आप मेरे पास रहें, मुझे सिर्फ आप चाहिए। तुम्हारा मतलब क्या है? मैंने इतनी मेहनत करके जो पैसे कमाए, जमीन जायदाद बनाई, वो सब तुम्हें नहीं चाहिए? हाँ नहीं चाहिए, मुझे ये सब नहीं चाहिए। जरा सोच कर तो देखिए, हाई कोर्ट में जज के सामने ऊंची आवाज में बात करते थे और आज चिप्स के पैकेट की आवाज सुनने पर भी डर जाते हैं। अब भी वक्त है, आप मान जाइए। मुझे सब पता है, पप्पू ने मुझे सब कुछ बता दिया है। आप पुलिस के आगे सरेंडर कर दीजिए। अगर आप आरोपी है तो भी ठीक, अपराधी है तो भी ठीक, कुछ भी हो जाए मैं आपका साथ दूंगी। मान लूंगी कि अनजाने में ये सब कुछ हो गया। प्लीज मेरी बात मान लीजिए, मान लीजिए, मान जाइए, सरेंडर कर दीजिए। मैं आपसे विनती करती हूँ, मान जाइए। हेलो, 14/5/2015 शाम को 5 बजे तेरा जन्मदिन नहीं, तेरा मरण दिन है। और वो तारीख आज ही है। हे, कौन हो तुम और लॉकअप के अंदर क्यों जा रहे हो? बाहर निकलो। मैं नहीं निकलूंगा, पहले एसआई एसीपी को बुलाओ। अरे बोला ना बाहर निकलो तुम। मैंने कहा ना, मैं तब तक बाहर नहीं निकलूंगा जब तक एसआई एसीपी नहीं आएंगे, समझे? जाकर बुलाओ उन्हें। अरे मेरा सर दर्द क्यों कर रहे हो? बाहर निकलो। सर पता नहीं कौन है लॉकअप के अंदर घुस गया है, बाहर निकालने के लिए कह रहा तो नहीं निकल रहा है। सेसाचेला तुम अंदर क्यों चले गए? अपनी जान बचाने के लिए सर। आज 5 बजे तुम्हें उठा लूंगा, उसने टाइम फिक्स किया है सर। कौन है वो? अब इसके आगे मैं आपसे कुछ भी नहीं छुपाऊंगा सर। सर बिना वारिस के एक प्रॉपर्टी समझकर मैं और मेरे पार्टनर्स मिलकर मुंबई के दादा लोगों को वो जमीन बेच दी सर। लेकिन उसके बाद बस सर यही कहानी है। ये सच हमें पहले बता देते तो तुम्हारे साथियों की जान बच जाती। अब तो बता रहा हूं ना सर। सर भगवान के लिए मुझे जो भी सजा मिलेगी मैं भुगतने के लिए तैयार हूं, लेकिन सर उस यशवंत से मुझे बचा लीजिए प्लीज सर। तुम उस तरफ जाओ और तुम लोग इधर फॉलो मी। सर ऊपर लैब जैसा कुछ है सर। सर वहां पर कुछ दफनाया हुआ है। सर ये तो डॉग है। इसे हॉस्पिटल लेकर जाओ। ओके सर। शाबाश एसीपी साहब। इसे अंदर डाल दो। हाँ? अरे रे 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 एसीपी साहब उसे 2 हाथों वाला मामूली इंसान मत समझो सर। वो 8 हाथों वाला ऑक्टोपस है सर। ऑक्टोपस वो बहुत ज्यादा क्रूर है सर। तुम भी बहुत क्रूर हो और इतना ही डर लग रहा है तो मेरे पास खड़े हो जाओ। कौन क्या कर लेगा वो मैं भी देख लूंगा। आपका भरोसा मेरे लिए काफी है। अरे जरा इसे खोलिए ना। त्रिशूल सर इसे अंदर डाल दो। चलिए एसीपी साहब, आपको अपराधी मिल गया ना, अब मेरा यहाँ क्या काम, चलता हूँ। कहाँ जा रहे हो? तुम भी एक क्रिमिनल हो, ऐसा स्टेटमेंट तुमने ही लिख कर दिया है। हाँ, कैसे जा सकते हो? अब आपको मेरे बेल के पेपर से चाहिए ना सर, इतना ही ना, 1 मिनट के अंदर भेल पूरी की तरह यहाँ आ जाएगा सर। हाँ हेलो पप्पू, हाँ तुम और श्रीनिवास जाओ, कोर्ट से मेरे लिए बेल ऑर्डर्स लेकर आओ। हाँ ठीक है। हाँ जीजा जी, आप तो सेफ हो ना? है, जल्दी से बेल के पेपर्स दो। हे, जल्दी दे। सुनो, इसके साइन ले लो और इसे जाने दो। थैंक यू एसीपी साहब, चलता हूँ, बाय। थैंक यू वेरी मच। हाँ मैं एक लॉयर हूँ, क्रिमिनल लॉयर। मेरे ऊपर पासा फेंक रहे थे। इंडियन पीनल कोड के अंदर जितनी भी धाराएं हैं ना, वो सब तेरे ऊपर लगाऊंगा। कोई छोटी मोटी सजा नहीं होगी, सीधा फांसी के फंदे पर लटकवाऊंगा। तू मुझे नहीं जानता, मैं सेसाचेला हूं। मेरा ही समय फिक्स करने चले थे तुम। मेरा बर्थ सर्टिफिकेट फाड़ कर डेथ सर्टिफिकेट निकलवाने वाले थे ना। तुमने जो टाइम दिया था उसमें अभी सिर्फ 5 मिनट बाकी हैं। मैं यहीं पर हूं, देखता हूं तू मेरा क्या बिगाड़ता है। जो करना है कर ले। Thank you very much, Octopus. Bye. हाँ? अरे भाई 5 बज गए। लक्ष्मी, लक्ष्मी, हे लक्ष्मी, तुम्हारे कहने पर मैंने सरेंडर भी कर दिया और मुझे जमानत भी मिल गई। अब तो खुश हो ना? हाँ? लक्ष्मी, आपने ऐसा क्यों किया दीदी? दीदी आपने ऐसा क्यों किया? हे भगवान! त्रिशूल, कॉल द एम्बुलेंस। यस दीदी, तुमने ऐसा क्यों किया दीदी? दीदी ऐसा क्यों किया? दीदी, ये मर्डर भी तुम्ही करवाया है ना? हाँ, मैं नहीं करवाया। दिनकर को डॉगी से कटवाकर मुगम को जलाकर मारने वाला मैं ही, धर्मराज और धनंजय को मारने वाला मैं ही, अभी तुम्हारी आंखों के सामने लॉयर को मारने वाला भी मैं ही हूं। कानून वाले मुझे जो भी सजा दें उसे भुगतने के लिए तैयार हूं मैं। ये अदालत इस केस को विशेष प्रकरण से देखते हुए अपराधी की सेवाएं देश के लिए उपयुक्त समझते हुए अपराधी को मौत की सजा नहीं दे सकती है। हमारे देश को ऐसे साइंटिस्ट की बहुत ज़रूरत है। इस बात को ध्यान में रखते हुए अपराधी को उसके अपराध के लिए दफ़ा 356, 365 के तहत 2 साल की सज़ा सुनाती है। आज के लिए अदालत मुलतवी की जाती है। अब तक की सबसे बड़ी खोज बेंगलुरु के मिस्टर डॉक्टर यशवंत ने वियोलॉजी कार्डियोलॉजी के संकल्प में जो दवा लिक्विड फॉर्म में तैयार की है वो लोगों के लिए बहुत ही फायदेमंद है और उनकी दवा इतनी सस्ती है कि 1000 रुपये में मात्र गरीबों को फायदा हुआ है और बहुत से लोग दिल की बीमारियों से ठीक हो रहे हैं एंजियोप्लास्टिक को लिक्विड में संशोधन करके। एंजियोप्लास्टिक लोगों के लिए बहुत ज्यादा मददगार हो रही है। ये दवाइयाँ काफी सस्ते दाम में लोगों तक पहुँच पा रही हैं, जिसकी वजह से बहुत से लोगों की जान बच पा रही है। मेडिकल साइंस में की गई ये पहली ऐसी खोज है जिसे कि हम विदेश में नहीं अपने देश में ही उपलब्ध करा पा रहे हैं। इससे गरीबों को काफी फायदा हो रहा है। डॉक्टर यशवंत ने बाईपास सर्जरी के इतने महंगे खर्चे से बचकर लिक्विड फॉर्म में एक दवा तैयार की है जिसकी कीमत मात्र 1000 रुपये है। ये दवाई कम से कम कीमत पर 1000 रुपये में हर मेडिकल पर उपलब्ध है। उनके इस अच्छे काम के लिए उनकी जितनी तारीफ की जाए कम है। आज पूरे देश को डॉक्टर यशवंत पर नाज है। सिर्फ देश में ही नहीं पूरी दुनिया में उनकी चर्चा हो रही है। इस दवाई की वजह से गरीब लोगों को काफी सहायता मिल रही है। पहले हार्ट ब्लॉकेज के लिए इतना महंगा स्टेंट फॉरेन से मंगवाया जाता था, लेकिन अब वो लिक्विड फॉर्म में सस्ते दामों में हमारे देश में ही उपलब्ध है।